assalamu alaikum welcome friends welcome students and welcome to final year electronics and telecommunication i myself imran rajwani today i am going to talking about some introduction part of the final year fifth semester subject the name of the subject is mwc mobile and wireless communication Today, we are going to cover an introduction of the subject, CEOs of the subject, teaching and examination scheme of the subject, resources required for the subject, and syllabus discussion. So, these 4 to 5 topics, inshallah, we will cover in 15 to 20 minutes for the subject. The name is MWC. The subject is in final year, 5th semester for electronics and electronics and telecommunication branch. So back to the topic. Let us start the introduction of the subject. The name of the subject is mobile and wireless communication. His abbreviation is MWC. It is mobile wi and wireless communication. The mobile communication and wireless communication. The combination of mobile communication and wireless, wireless communication both are integrated in this subject. This subject is also in the previous scheme. That is G scheme the name is mco mobile communication in that subject the only mobile communication topics was covered but in the i scheme the content of the subject is changed the modified and advanced the mobile communication as well as there are several different wireless communication technologies that is also integrated included in this subject and the name is changed to फ्राम एम सी ओ टू एम डब्ल्यू सी मोबाइल कम्युनिकेशन से क्या हो गया ये मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो क्या है डबल टू फाइ डबल थ्री डबल टू जो है वो आई स्कीम के सब्जेक्ट की सीरीज़ का कोड है फाइ जो है वो सेमेस्टर को इंडिकेट करता है और थर्टी थ्री जो है आपकी ब्रांच जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन उसके सब्जेक्ट की ये सीरीज़ है क्लास आपका जो है ई जे फाई आई फाई आई एक्डमिक ईयर जो है वो क्या है टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो ये वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे हम कोर्स आउटकम्स सी जो है एम के क्या है सी क्या इंडिकेट करता है कि ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपके अंदर क्या क्या कॉम्पिटेंसी क्या, क्या क्या स्किल्स आपके अंदर डेवलप्ड होनी चाहिए उसके बाद ये सब्जेक्ट की टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम क्या है क्या पढ़ना है कितने घंटे तक पढ़ना है उसका वेटेज क्या है और उसका एग्ज़ाम जो है उसका टेस्ट जो है वो किस तरीके से होगा और इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमको क्या क्या रिसोर्सेज रिफ़र करना है ठीक है कौन सी वेबसाइट देखना है कौन सी बुक्स पढ़ना है कौन से वीडियोस देखना है वगैरह वगैरह और उसके साथ साथ फिर हम देखेंगे ये जो पांच चैप्टर जो है सब्जेक्ट के वो कितने आर्स के हैं कितने मार्क्स के हैं ठीक है थीके? तो पहले हम टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम से स्टार्ट करते हैं उसके बाद सी देखेंगे और उसके बाद रिसोर्स की तरफ जाएंगे लास्ट में तो यहाँ पर इसका सिलेबस है हमारे पास जो एम ने हमको दिया है मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन कोर्स कोड दिया हुआ है यहाँ पर डबल टू फाइव डबल थ्री आपकी ब्रांच का नाम दिया हुआ है उसका कोड दिया है ई जे ठीक है तो ये जो है ये इसके सी हैं और ये इसका टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम है ठीक है तो पहले हम देखते हैं टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम को तो टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम में क्या दिया है इन्होंने इन्होंने दिया है कि हमको इस सब्जेक्ट को पर वीक कितने लेक्चर दिए हैं उन्होंने चार घंटे का लेक्चर दिया है और चार घंटे का प्रैक्टिकल दिया है ठीक है इन प्रैक्टिकल हफ्ते में दो बार होगा ठीक है अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर प्रैक्टिकल का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं थेरी लेक्चर्स फोर वीक्स पार पर आ रहे हैं इसका पेपर तीन घंटे का होगा जो बोर्ड का होता है फाइनल एग्ज़ाम सेवेंटी मार्क्स ट्वेंटी जिसमें से पास आपको करना है मिनिमम और थर्टी मार्क्स जो है वो आपके पीए के हैं थर्टी मार्क्स का बाईफर्केशन आपको मालूम है ट्वेंटी मार्क्स जो है वो आपके टेस्ट के एवरेज के हैं और टेन मार्क्स जो है वो आपके माइक्रो प्रोजेक्ट के हैं ठीक है तो ये सेवेंटी प्लस थर्टी हो जाएगा हंड्रेड आई स्कीम में आई स्कीम का जो सेवेंटी थर्टी का जो रेशियो है उसके बाद जो प्रैक्टिकल सेक्शन जो है उसमें ये जो पी जो है आपका प्रोग्रेसिव असेसमेंट यानी आपके मैनुअल के मार्क्स ये है फिफ्टी मार्क्स ट्वेंटी नहीं है फिफ़्टी मार्क्स है और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन यानी सेमेस्टर खत्म होने के बाद जो ये मैनुअल ये सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा जो मैनुअल के अंदर जो प्रैक्टिकल से वो क्या होगा फिफ्टी मार्क्स का एक्सटर्नल है क्या है फिफ्टी मार्क्स का एक्सटर्नल ये हैश है दिख रहा है ना ये एक्सटर्नल है तो फिफ्टी मार्क्स यहाँ पर पी के फिफ्टी मार्क्स यहाँ पर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के फिफ्टी फिफ्टी प्लस हंड्रेड हो गया और ये हंड्रेड सेवेंटी प्लस थर्टी तो टोटल ये सब्जेक्ट का वेटेज जो है वो है टू हंड्रेड मार्क्स का जिसमें से सिर्फ सेवेंटी मार्क्स जो है वो बोर्ड्स की तरफ से जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके पास है बाकी ये थर्टी मार्क्स फिफ्टी मार्क्स और फिफ्टी मार्क्स ये आपके इंटरनल मार्क्स हैं यानी स्टूडेंट्स के पास है स्टूडेंट जितना मेहनत करेंगे उतना उनको इसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो ये इसकी टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम हो गई ठीक है टीचिंग इन्होंने यहाँ पर टोटल दिया है चैप्टर वाइज फिर हम बाद में जब हम हमारी स्लाइड पे जाएंगे तब वहाँ पर देखेंगे चैप्टर वाइज ठीक है अब यहाँ पर हम देखते हैं सी कोर्स आउट्स कम ठीक है पांच सी दिए हैं उन्होंने तो पहला जो सी है वो क्या है ट्रबल शूटिंग मोबाइल हैंडसेट ट्रबल शूटिंग मोबाइल हैंडसेट ये ये पहला सही हो हमारा ठीक है ट्रबल शूटिंग मोबाइल हैंडसेट तो ट्रबल शूटिंग मोबाइल हैंडसेट्स मोबाइल हैंडसेट मतलब क्या मोबाइल हैंडसेट यानी जो हम यूज़ करते हैं ठीक है मोबाइल हैंडसेट के अंदर जब तक हम सिम नहीं डालेंगे तो वो मोबाइल स्टेशन नहीं बनेगा जब तक उसके अंदर सिम नहीं है तो वो क्या है मोबाइल हैंडसेट है आप उससे कॉल कर सकते हो नहीं आप उससे एसएमएस भेज सकते हो नहीं डेटा यूज़ कर सकते हो नहीं नहीं कर सकते अनलेस एंड अनडेल आपके पास वाईफाई है यानी दूसरा कोई रिसोर्सेज है ठीक है तो वो एक अलग चीज़ है कि वाईफाई का क्या रोल है वो हम सिलेबस में डिसाइड डिस्कस करेंगे तो ट्रबल शूटिंग मोबाइल हैंडसेट से ये क्या बोल बोलना चाह रहे हैं कि मोबाइल जो है हार्डवेयर उसमें उसको आपको असेंबल करने आना चाहिए उसको आपको खोलने आना चाहिए हर मोबाइल का खोलने का तरीका अलग अलग होता है स्क्रीन टच मोबाइल्स में बहुत सारी वेराइटीज़ होती है कीपैड वाले मोबाइल रहते हैं वो भी अलग अलग हर अलग अलग कंपनी अपने अपने हिसाब से कोई ना कोई प्रोसेस और कोई ना कोई लॉक सिस्टम यूज़ करते हैं ठीक है, है? मोबाइल को खोलने के लिए तो वो आपको आना चाहिए खुलने के बाद कौन सा चीज़ कहाँ पर है कौन सा पार्ट कहाँ पर है वो आपको बराबर पता रहना चाहिए कि बैटरी किस तरीके से निकालना है फिर बैटरी को लगाना किस तरीके से आप उल्टी बैटरी लगा देंगे तो मोबाइल ऑन नहीं होगा फिर मोबाइल का एंटीना कहाँ पर है मोबाइल की जो मेन आईसी जो रहती है सीपीयू की वो कहाँ पर है रैम कहाँ पर है माइक्रोफोन कहाँ पर है स्कीपर स्पीकर कहाँ पर है और मोबाइल चार्जिंग मोबाइल की बैटरी को जो चार्ज करने वाली आईसी जो है चार्जिंग आईसी वो कहाँ पर है तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है ठीक है ताकि आपको जब सही पार्ट्स का नॉलेज होगा तो आप पता कर पाएंगे कि कौन से पार्ट्स के अंदर फॉल्ट है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल हैंडसेट है उसमें आपकी आवाज़ सामने वाले को नहीं जा रही मगर सामने वाले की आवाज़ आपको बराबर सुनाई दे रही है तो आवाज़ किससे सुनाई देती है स्पीकर से सुनाई देती है तो आपको आवाज़ बराबर सुनाई दे रही है मतलब आपका स्पीकर बराबर है मगर आपकी आवाज़ सामने वाले को नहीं जा रही है मतलब आपके माइक्रोफोन में प्रॉब्लम है तो मोबाइल खोलने के बाद आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि माइक्रोफोन दिखने में कैसा होता है कहाँ पर होता है मोबाइल हैंडसेट के ऊपर की तरफ होता है कि नीचे की तरफ होता है फ्रंट में होता है कि बैक में होता है है कि नहीं मोबाइल में एक ही स्पीकर होता है कि एक से ज़्यादा स्पीकर होते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखना है जो प्रैक्टिकल में ज़्यादा हम इस चीज़ को देखेंगे मगर यहाँ पर थेरी में थेरी में हमको फर्स्ट चैप्टर में क्या दिया हुआ है कि मोबाइल हैंडसेट का डायग्राम दिया हुआ है ब्लॉक डायग्राम ठीक है तो मोबाइल के अंदर जो मेजर पांच कंपोनेंट्स होते हैं ट्रांसमीटर रिसीवर फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइजर लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट फिर ये पाँचों ब्लॉक का एक सेपरेट ब्लॉक डाइग्राम दिया हुआ है ठीक है तो वो सेपरेट ब्लॉक डायग्राम जो दिया है उसमें फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइजर क्या रोल प्ले करता है ट्रांसमीटर कैसे फंक्शन करता है रिसीवर सिग्नल को किस तरीके से रिसीव करता है लॉजिक यूनिट का क्या काम है कंट्रोल यूनिट का क्या काम है कौन कौन से एलिमेंट इनके अंदर है मेमोरी कहाँ पर है सी पी यू कहाँ पर है ठीक है पावर एडजस्टमेंट किस तरीके से होता है मोबाइल में जब हम कॉल लगाते हैं तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे फिर सेकेंड जो है हमारा सेकेंड सी ओ जो है वो क्या कह रहा है सेकेंड जियो जो है वो क्या कह रहा है एक्सेस द सेलुलर सिस्टम कैपेसिटी कोई भी सिस्टम कैसा बनता है मल्टीपल कंपोनेंट्स को जब हम एक जगह इंटीग्रेट करते हैं और वो सब मिलकर कोई एक पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं परफॉर्म करते हैं अंजाम देते हैं तो वो क्या बन जाता है एक सिस्टम बन जाता है तो मोबाइल के नेटवर्क को क्या कहा जाता है सेलुलर सिस्टम कहा जाता है तो सेलुलर सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है कैपेसिटी का यहाँ पर क्या मतलब है <coughs> 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 कैपेसिटी का मतलब ये है कि वो कितने कॉल्स एट ए टाइम हैंडल करता है उसके साथ साथ कि टोटल उस सेलुलर सिस्टम के अंदर कितने यूज़र्स हैं ठीक है हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है ठीक है जैसे ये क्लास रूम है तो क्लास रूम में आप बैठे हैं तो इसकी एक कैपेसिटी है कि भाई यहाँ पर थर्टी लोग बैठ सकते हैं थर्टी से ज़्यादा आएंगे तो एंट्री बंद हो जाएगी तो सेलुलर सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है अब जब मोबाइल नया नया जब मोबाइल मार्केट में आया था लॉन्च हुआ था सेलुलर सिस्टम तो उस टाइम पे मोबाइल बहुत कम लोगों के पास था रीज़न क्या था उसके पीछे मोबाइल भी कॉस्टली था और उससे ज़्यादा कॉस्टली क्या था कॉल रेट्स कॉल रेट्स कितने थे तकरीबन साढ़े तीन रुपया लगता था इनकम आउट के लिए और ढाई रुपया दो रुपया ऐसा लगता था इनकमिंग के लिए यानी इनकमिंग के ऊपर भी आपका पैसा कटता था आउट गोइंग पे तो कटता था इनकमिंग पे भी आपका पैसा क्या था कटता था तो मोबाइल बहुत कॉस्टली था कॉलेज बहुत ज़्यादा थे लैंड एंड सस्ता पड़ता था या तो फिर रुपीस वाला जो पीसीओ सी कॉइंस वाला जो सिस्टम था वो लोगों को सस्ता पड़ता था फिर आहिते आहिते क्या होते गया? सिनेरियो चेंज हो गया मोबाइल के हार्डवेयर में भी बहुत चेंजेस आने लगे यानी की पैड से हम स्मार्टफोन पर आ गए और सिस्टम्स के अंदर भी चेंजेस आने लगे फ़ीचर्स नए नए ऐड ऐड होने लगे एंड नंबर ऑफ़ फंक्शंस ऐड होने लगे मोबाइल पे सिर्फ आप कॉल नहीं कर सकते हो सिर्फ आप एसएमएस नहीं कर सकते हो उसके साथ साथ आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हो टीचिंग लर्निंग कर सकते हो इंटरनेट के ऊपर आप कोई भी चीज़ को मेडिसिन बुक करा सकते हो गैस बुक करा सकते हो एंड नंबर ऑफ़ फीचर्स आ गए आप एड्रेस ढूँढ सकते हो मोबाइल के ऊपर आप ड्राइव मोबाइल के ऊपर आप मैप देख के आप ड्राइव कर सकते हो है ना तो इतने सारे फंक्शंस आ गए तो ये फंक्शंस बढ़ने की वजह से मोबाइल का डिमांड क्या हो गया बढ़ा मोबाइल का डिमांड बढ़ा कॉल रेट्स भी कम हो गए और दूसरे ये एडवांटेज भी मिलने लगे इतने सारे फंक्शन का तो मोबाइल का डिमांड क्या हो गया बढ़ गया तो सेलुलर सिस्टम को भी अपनी कैपेसिटी क्या हो गई बढ़ानी पड़ी क्योंकि ज़्यादा यूज़र आ गए ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोबाइल लेने लगे ठीक है मोबाइल भी सस्ता होने लग गया अभी सिक्स टू सेवन थाउजेंड के अंदर एक स्मार्टफोन आराम से आ जाता है आपके पास मल्टी सिम वाला है कि नहीं अभी फ़िलहाल ये है सीन तो सेलुलर सिस्टम के लोग यूज़र्स जो थे वो पहले कम थे बाद में ड्रास्टिक ड्रास्टिकली क्या हो गई यूज़र्स जो है वो बहुत बढ़ गए तो सिस्टम को अपनी कैपेसिटी को क्या करना पड़ा इंक्रीज़ करना पड़ा अब सेल मोबाइल सिस्टम जो है वो किसके ऊपर चलता है मोबाइल सिस्टम जो है वो किसके ऊपर चलता है मोबाइल सिस्टम जो है वो फ्रिक्वेंसी के ऊपर चलता है रेडियो फ्रिकवेंसी आर एफ वायरलेस कम्युनिकेशन है ना तो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए क्या एक फ़्रिक्वेंसी चाहिए तो वो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या है लिमिटेड है तो वो लिमिटेड फ्रिक्वेंसी को हम किस तरीके से एंड नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो बढ़ते जा रहे डे बाई डे उनके बीच में कैसा हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसा हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे तो ये सब टेक्निक्स जो है यूज़ की गई अलग अलग टेक्निक्स और उससे सेलुलर सिस्टम की कैपेसिटी जो है वो क्या हो गई बढ़ाई गई फिर थर्ड वाला जो सी जो है वो क्या कहता है तीसरा थी सीईओ जो है वो क्या कह रहा है हमको ये एक्सेस परफॉर्मेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ डिफरेंट सेलुलर मोबाइल सिस्टम ठीक है एक्सेस परफॉर्मेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स यहां पे जो वर्ड है ना परफॉर्मेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स अलग सेलूलर सिस्टम के अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं और हर स्टैंडर्ड का एक अपना परफॉर्मेंस है ठीक है जैसे आप सारे जैसे आप लोग हैं बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो हर एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस जो है वो अलग अलग रहेगा ठीक है कोई स्पोर्ट्स में आगे रहेगा तो कोई मस्ती में आगे रहेगा तो कोई मोबाइल के गेम खेलने में आगे है तो कोई ग्राउंड के ऊपर गेम खेलने में आगे है कोई पढ़ाई में आगे है कोई एमडब्ल्यू सब्जेक्ट में अच्छा है तो कोई कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा है तो कोई एल में अच्छा है है कि नहीं सबका फेवरेट अलग अलग है ना तो इसी तरीके से सेलुलर सिस्टम के अंदर भी अलग अलग स्टैंडर्ड्स थे उनमें हर स्टैंडर्ड्स का परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा है बहुत कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था तो वो बहुत फेमस हुए बहुत लोगों ने उसको अडोप्ट किया बहुत कंट्रीज़ ने उसको अडोप्ट किया जैसे कि जी है सी में है मगर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऐसे थे जो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए ज़्यादा कंट्रीज़ ने उसको अडोप्ट नहीं किया क्योंकि वहाँ के लोगों ने उनको पर पसंद नहीं किया उसके परफॉर्मेंस को उसके फ़ीचर्स को वो इतने उनको अच्छे नहीं लगे एज़ कम्पेयर टू दूसरे स्टैंडर्ड्स के तो ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स जो हैं उनका आर्किटेक्चर क्या था उनके सिक्योरिटी सिस्टम कैसे चलते थे उसमें कॉल किस तरीके से लगता था उसमें यूज़र को ऑथेंटिकेट कैसे करते थे उसमें कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते थे वो कौन से कौन से सर्विस प्रोवाइड करता था किस तरीके से प्रोवाइड करता था तो ये सब इसमें आएगा ख़ास करके इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है दो स्टैंडर्ड्स जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे थ्रू आउट द वर्ल्ड जी एस एम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एंड सी डी ए में आई एस नाइनटी फाइव सी डी एम ए सी डी एमए का जो एक्चुअल ऑफिशियल टेक्निकल नाम जो है वो क्या है आई एस नाइनटी फाइव सी डी एम ए तो ये स्टैंडर्ड्स को हम पढ़ेंगे ठीक है अभी हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट सी ओ की तरफ चौथे सी ओ की तरफ तो क्या कह रहा है सिलेक्ट रिलेवेंट वायरलेस टेक्नोलॉजी सुटेबल फॉर वेरियस एप्लीकेशन अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग सिस्टम यूज होता है ठीक है जैसे कि आपके पास आईडी कार्ड दिया हुआ है आर एफ उसमें यूज़ हुआ है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कोड उसमें है आप आते हैं स्कैन करते हैं आपकी अटेंडेंस लग जाती है आपको मैसेज आ जाता है आपके पेरेंट्स को मैसेज चला जाता है तो ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन का एक अपलिकेशन है तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग अपलिकेशन है आर एफ आई टेक हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है पेशेंट्स को एक लेबल लगा के उसके हाथ में बांध के दे देते हैं जब तक वो हॉस्पिटल में है वो लेबल उसके पास रहेगा जब वो डिस्चार्ज हो गेट के पास गेट के बाहर निकलेगा तभी वो लेबल क्या होता है उसके हाथ से कट होता है तो इससे वो उसको मॉनिटर करते हैं अभी आप घर में बैठे हैं आपके पास आपका लैपटॉप है माउस है की है हेडफोन है मोबाइल फ़ोन है आपको सबको क्या करना है वायरलेसली कनेक्ट करना है पी को आपके लैपटॉप को मोबाइल से मोबाइल को लैपटॉप को हेडफोन को तो आप क्या करेंगे ठीक है तो आप ब्लूटूथ यूज़ करेंगे ठीक है ब्लूटूथ एक फ्रिक्वेंसी है टू पॉइंट फाइव की ठीक है जो फ्री अवेलेबल है हर मोबाइल में है हमको उसका पैसा देना पड़ता है नहीं ना हर जो वायरलेस डिवाइस हम लेते हैं ऑलमोस्ट उसके अंदर रहता है लैपटॉप के अंदर ब्लूटूथ रहता है मोबाइल के अंदर ब्लूटूथ रहता है राइट तो हम ये ब्लूटूथ यूज़ करके क्या कर सकते हैं लैपटॉप को मोबाइल से हम कनेक्ट कर सकते हैं इमेज टेक्स्ट डेटा ऑडियो वीडियो हम उससे इंफॉर्मेशन जो है वो क्या कर सकते हैं एक्सचेंज कर सकते हैं वायरलेस हेडफोन निकला है वो आप मोबाइल के साथ कनेक्ट करके वायरलेसली आप क्या कर सकते हो मोबाइल कॉल आएगा तो आपको जेब में से मोबाइल निकालने की ज़रूरत नहीं है डायरेक्टली आप हेडफोन लगा हुआ है उससे आप बात कर सकते हो ठीक है तो ये इसको हम क्या कहते है? हैं पैन कहते हैं पब्लिक एरिया नेटवर्क कहते हैं ठीक है ये हम आगे पढ़ेंगे इनशाला तो ये अलग अलग वायरलेस टेक्नोलॉजी है जैसे कि वाईफाई है वाईमैक्स है ब्लूटूथ है आर है रेडियो फ्रिक्वेंसी है ठीक है तो ये अलग अलग सिस्टम्स के सब क्या है अलग अलग अप्लीकेशन्स है तो ये हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे फिर लास्ट क्या कह रहा है हमारा टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस वायरलेस प्रोटोकॉल अलग अलग वायरलेस प्रोटोकॉल हैं उनके परफॉर्मेंस को हम क्या करेंगे चेक करेंगे कंपैरिजन का एक टेबल बनाएंगे ठीक है उसमें सबके परफॉर्मेंस को हम ट पुट पुटअप करेंगे और देखेंगे कि कौन सा वायरलेस प्रोटोकॉल जो है वो बेहतर है किसके कंपेयर में ठीक है तो ये एक सिलेबस को मैंने हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया सिलेबस के पांच सी को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर थोड़ा नीचे जाकर इसको थोड़ा चैप्टर वाइज बहुत फास्ट देख लेते हैं मैंने सब आपको बता दिया हूँ ऑलरेडी ये लिस्ट ऑफ़ प्रैक्टिकल्स है स्टार किए हुए जो प्रैक्टिकल्स हैं वो कंपलसरी है ठीक है प्रैक्टिकल के लिए इनशाला हम बाद में डिस्कस करेंगे ये हमारा फर्स्ट चैप्टर ये टॉपिक्स है जो हमको पढ़ना है ये ठीक है ये टॉपिक्स जो हमको पढ़ना है ये चैप्टर का नाम वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक है तो ये 1.1 से लेकर 1.5 में पांच यूनिट है जो मैं आपको ब्लॉक डायग्राम के बारे में बात कर रहा था मोबाइल की वो यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है यहाँ पर स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि भाई वायरलेस नेटवर्क की जनरेशन जनरेशन यानी क्या जो हम कहते हैं ना फोर फोर जी से पहले क्या था थ्री जी थ्री जी से पहले क्या था टू जी टू जी से पहले क्या था वन जी तो जी फोर क्या है कैपिटल जी स्टैंड फॉर जनरेशन ठीक है तो वन जी में क्या था टू जी में क्या था थ्री जी में क्या था फोर जी में क्या था फोर पॉइंट फाइव जी में क्या है फोर पॉइंट सेवन जी में क्या है और फिर फाइव जी आएगा उसमें क्या है तो ये जनरेशन तो यहाँ पर फिलहाल हम जो पहले की तीन जनरेशन जो है या चार जनरेशन जो है उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखेंगे उसके अंदर उन जनरेशनस में कौन से कौन से स्टैंडर्ड्स यूज हुए वो स्टैंडर्ड्स के नाम याद ये हुए देखो यहाँ पे लिखा है ना स्टैंडर्ड्स ठीक है तो एम पी एस स्टैंडर्ड था जी एस एम स्टैंडर्ड था आई एस नाइन्टी फाइव मतलब सी डी ए उसका एडवांस वर्जन वर्जन जो था वो क्या था सी डी ए टू थाउजेंड ठीक है तो ये सब स्टैंडर्ड्स का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे फिर वायरलेस सिस्टम कौन से कौन से हैं तो कॉर्डलेस सिस्टम सेलुलर सिस्टम फिर पेजिंग सिस्टम पेजिंग सिस्टम फ़िलहाल यहाँ पर आई स्कीम में निकाल दिया है मगर जी स्कीम में था उसको एक इंट्रोडक्शन के तौर पे हम उसको भी देख लेंगे फिर डब्ल्यू एल एक उसका वायरलेस का अप्लीकेशन है उसको देखेंगे और फिर मोबाइल यूनिट तो यह हमारा फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर में फंडामेंटल ऑफ़ सेलुलर सिस्टम सेलुलर सिस्टम्स की कुछ टर्मिनोलॉजी है एक सेल में से दूसरे सेल में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है मोबाइल के बीच में हैंड ऑफ़ होता है वो क्या है उसके कितने टाइप हैं फिर मोबाइल के अंदर जो इंटरफेरेंस आता है उसको किस तरीके से हम रिड्यूस करते हैं और उसका सिस्टम कैपेसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है ठीक है फिर सिस्टम कैपेसिटी इंप्रूव करने के लिए कौन सी कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती है वो है यहाँ पर फिर डिजिटल सेलुलर मोबाइल स्टैंडर्ड्स मोबाइल स्टैंडर्ड्स में जी उसका फीचर्स उसके आर्किटेक्चर उसके अंदर कॉल किस तरीके से लगता है फिर आई एस का आई एस नाइन्टी का सब सेम फिर सिग्नलिंग सिस्टम नंबर सेवन जो है एक प्रोटोकॉल है वो हम देखेंगे जो जी में यूज़ होता है फिर फोर्थ चैप्टर एडवांस वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर क्या है थ्री जी फोर जी टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है फिर थ्री जी फोर जी टेक्नोलॉजी के कौन से कौन से स्टैंडर्ड्स थे तो ये थे आई एम टी टू थाउजेंड यू एम ये सब थ्री और फोर के स्टैंडर्ड्स थे तो यहाँ पर उनको स्टडी करेंगे हम फिर लास्ट वाला चैप्टर जो है वो वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ में जैसे मैंने आपको बताया ब्लूटूथ आर एफ आई डी डब्ल्यू लैन डब्ल्यू माइन वाई मैक्स मोबाइल अडॉप नेटवर्कस ये सब वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ है उसको स्टडी करेंगे ठीक है रिसोर्स के तौर पर रिसोर्स जो है वो ये जो है वायरलेस कम्युनिकेशन इन प्रिंसिपल ये रेपापोट का जो बुक है वो बहुत अच्छा बुक है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए खास करके बहुत इजी है आसान लैंग्वेज में है डिटेल में है बहुत अच्छे से टेक्निकलिटी को पूरा कवर किया गया है जी एस एम सी डी फर्स्ट सेकेंड चैप्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर जो है वो इसमें से आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर के लिए ये जो बुक है विलियम ली का ये आपको ज़्यादा यूज़ होगा विलियम ली के अंदर पूरे चैप्टर्स हैं ठीक है ठीके। खाली ये रेपापोड वाला जो है उसके अंदर फोर्थ और फिफ्थ uh, चैप्टर का कंटेंट जो है वो बहुत कम है फोर्थ चैप्टर भी आपको मिल जाएगा मगर वन टू फोर्थ चैप्टर रेपापोड में मिल जाएगा और वन टू फाइव पूरे के पूरे ये विलियम ली का जो बुक है उसमें आपको मिल जाएंगे दोनों की भी सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ इंटरनेट के ऊपर गूगल में फ्रीली अवेलेबल है आप डाउनलोड इजीली कर सकते हो फ्रीली ठीक है तो ये रिसोर्सेज़ की बात हो गई वापस से हम चलते हैं हमारे पीपीटी की तरफ तो यहाँ पर सी को हमने देखे टीचिंग एग्जामिनेशन स्कीम को देखे रिसोर्सेज को देखे ये पाँचों चैप्टर के नाम और उसके कंटेंट को भी देखे सिर्फ यहाँ पर वेटेज देख लेते हैं फर्स्ट चैप्टर बारह मार्स का है दस घंटे उसके पीछे स्पेंड करना है हमको स्टडी के लिए सेकेंड चैप्टर जो है फंडामेंटल ऑफ सेलुलर सिस्टम वो भी ट्वेल्व मार्क्स का है थर्ड चैप्टर जो है उसका वेटेज़ ज़्यादा है जी एस वाला सिक्सटीन मार्क्स का है फोर्थ चैप्टर का उससे ज़्यादा वेटेज है एडवांस वायरलेस स्टैंडर्ड जो थ्री जी फोर जी स्टैंडर्ड्स के बारे में डिस्कस करना है हमको और जो लास्ट चैप्टर जो है वायरलेस नेटवर्क टोपोलॉजीज जो है वो ट्वेल्व मार्क्स का है तो इसी तरीके से ये टोटल हो गया सेवेंटी मार्क्स और ये टेन ट्वेल्व ट्वेल्व एटीन टवेल्व इस तरीके से हो गई है सिक्सटी फोर आर्ट्स यानी सोलह घंटे का सो सॉरी सिक्सटीन वीक का हमारा पूरा सेमेस्टर होता है यानी फोर मंथ का उसमें से हर वीक में मिनिमम चार लेक्चर इसको बोर्ड ने दिया है तो ये था सब्जेक्ट का नाम उसका एब्रीवेशन उसके चैप्टर्स उसके आर्ट्स उसके वेटेज उसका सी उसका टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम उसके रिसोसेज़ कौन से कौन से हैं नोट्स इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उसकी आप फिकर मत कीजिए और पाँचों चैप्टर के नोट्स आपको दिए जाएंगे और ये सेकेंड टाइम जो है ये आई स्कीम का सब्जेक्ट जो है फाइनल ईयर का सेकेंड टाइम आ रहा है यानी आपके आगे वाली जो बैच है जो आई स्कीम की फर्स्ट बैच थी उन्होंने इसका ऑलरेडी एक एग्ज़ाम दे चुका है ठीक है तो विंटर टू थाउजेंड कौन सा था अभी ये क्या है ट्वेंटी ट्वेंटी वन है तो इससे पहले क्या था नाइनटीन तो विंटर नाइन्टीन में इसका पहला बोर्ड का पेपर जो है वो आ चुका है तो वो भी हमारे पास एज़ अ रेफरेंस के तौर पर है बोर्ड ने इसके सेम्पल पेपर भी दिया है पी टी टी वन पी टी टी टू के लिए जो ट्वेंटी 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 मार्क्स का जो होता है और सेवेंटी मार्क्स का भी जो रेफरेंस के लिए सैम्पल पेपर दिया हुआ है इनशाला उसका भी हम सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे ठीक है तो ये सब टॉपिक्स हमने यहाँ पर कवर किए हैं इनशाला नेक्स्ट लेक्चर से हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है और जनरेशन का इंट्रोडक्शन है वहाँ से हम हमारा जर्नी स्टार्ट करेंगे ये सब्जेक्ट का एम का मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा ठीक है तो इनशाला मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में